आज से करीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा करिश्मा बनाया गया जिसे बनाने का रीजन और इसे क्यों बनाया गया यह आज तक कोई पता नहीं कर पाया। जहाँ कुछ लोग इसे एलियनों का घर तो वहीं कुछ लोग इसे द वर्ल्ड मिस्टीरियस प्लेस के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा का ये पिरामिड 4000 सालों तक इंसानों की बनाई गई सबसे ऊंची चीजों में से एक था, जो कि 147 मीटर ऊंचा था। उस समय इस चीज को बनाने के लिए वहाँ पर किसी भी प्रकार की मशीनी उपकरण मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि आज भी इस पिरामिड के बड़े बड़े पत्थरों को हिलाने में बड़ी बड़ी मशीनों की ताकत लग जाती है। पर सोचने की बात यह है कि उस समय ये कैसे बनाया गया था बिना किसी उपकरण की सहायता से। इतने बड़े पत्थरों को एक साथ लाना लगभग सोचने में असंभव लगता है, पर उस समय में बिना किसी सुविधाओं के ये पिरामिड्स बनाए गए। और हर पिरामिड्स की आकृति देखने में एक ऐसी मिस्टीरियस आकृति लगती है जो कि मानो इस की हो ही ना। यहाँ तक कि इस पिरामिड में इतने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कि इसका वजन 6 मिलियन टन है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि अभी की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है और वही पिरामिड 6 मिलियन टन, मतलब कि कल्पना से भी परे। तो यहाँ तक कि आज के समय भी इस चीज को बनाने के बारे में सोचना लगभग नामुमकिन लगता है, पर उस समय में चीज बनाई गई। सोचने की बात यह है कि 4500 साल तक कोई इमारत कैसे खड़ी रह सकती है। यहाँ तक कि वहाँ के एनवायरमेंट में जहाँ आए दिन तूफान आना और बेहिसाब गर्मी में इस इमारत का खड़ा होना इसे इस से अलग बनाता है। यह देखा गया कि हम इतिहास में जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है उसकी सच्चाई पता करना कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2516 BC में बनाया गया था, जो कि फैरो खुफू द्वारा बनाया गया था। उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वह लोगों ने फैरो बुलाते थे। फैरो खुफू के बारे में ज्यादा जानकारी तो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, पर कुछ लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वह राजा कोई इंसान नहीं था, पर यह लोगों की केवल एक सोच है। इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक तो नहीं मिले। यह पिरामिड नाइल के पास मौजूद है जो कि अलग अलग आकार और आकृति के बने हुए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जिसे कि हम खुफू भी कहते हैं, फिर इससे एक छोटा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खाफरे जो कि सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है वहाँ का, और ऐसे कई छोटे छोटे पिरामिड्स वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन्हें बनाया क्यों गया था। ऐसा कहते हैं कि इन्हें बनाने का रीजन यह था कि इन्हें मकबरे की तरह यूज किया जाए। इन पिरामिड्स के अंदर इनके द्वारा इनके फैरोज को दफनाया गया है। इस चीज के पीछे इन लोग का यह मानना था कि मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा पैरेलल वर्ल्ड में जाती है जहाँ गॉड हमारे पाप और पुण्य का हमें फल देते हैं। और उन लोगों का ऐसा कहना था कि जिन लोगों ने अच्छा किया है वह लोग हमेशा के लिए जिंदा रहते थे आफ्टर लाइफ में, जिस वजह से हर वो चीज जो मरने के बाद उनके काम में आएगी वह लोग पिरामिड्स के अंदर पहले ही सुरक्षित रखते थे। और इनके मरने के बाद इन्हें मम्मीफाई करके वुडन कॉफिन में रखा जाता था। और इस चीज के बारे में पता तब चला जब पिरामिड्स में कई ऐसी चित्रकला देखी गई जिनमें साफ साफ ये बताया जा रहा था कि यह लोग रियल लाइफ में विश्वास करते हैं, पर एक तरीके से इसके अंदर का आज तक कभी कुछ पता नहीं चल पाया है, जिस वजह से लोग अलग अलग थ्योरी बनाते हैं। जिसमें से एक थ्योरी यह कहती है कि यह एक तरीके का पावर पॉइंट था जो बिजली जनरेट करता था। जो लोग ये मानते हैं वो लोग यह कहते हैं कि इजिप्ट के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज के लोगों के पास भी नहीं है। और इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए वो लोग कुछ ऐसे एविडेंस दिखाते हैं जो कि आर्ट फॉर्म में थे, जिसमें कि यह देखा जा सकता है कि इन लोगों ने उस समय ही बल्ब का इन्वेंट कर लिया था। पर यह केवल एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब अगर बात करें इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया था तो यही इस पिरामिड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। उस जमाने के लोगों ने कैसे इतनी बड़ी इमारत बना ली और इतने बड़े बड़े पत्थर को एक साथ कैसे लगा दिया, और हर एक पत्थर को ऐसे शेप में काटा गया है जो कि बेहद ही टिपिकल है। बिना मशीनी सुविधाओं के ये काम करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि इन्हें एक के ऊपर एक रखना और इधर से उधर ले जाना भी नामुमकिन लगता है। ऐसा बताया जाता था कि इन पिरामिड्स को बनाने में 20 साल का समय लगा था। और जैसे कि आजकल की मूवियों में दिखाया जाता है कि इन्हें मजदूरों को टॉर्चर करके इन्हें बनवाया जाता था, पर यह बिल्कुल गलत है। जिन लोगों द्वारा ये काम करवाया जाता था यह उस समय के हाईली एडवांस वर्कर थे जो कि 10-10 घंटे लगातार अपना काम करते थे, जिस वजह से ये पिरामिड बन पाए। इन लोगों को ये पिरामिड्स बनाने में 20 से 30 साल का समय लगा। पर अगर हम बात करें इन पिरामिड की सबसे मिस्टीरियस चीज के बारे में तो वो ये निकल के आती है कि जो तीन पिरामिड्स हैं वो रात के समय तीन तारों के साथ अलाइन करते हैं, और इन तारों के स्ट्रक्चर को ओरियन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह तार एकदम ठीक उन पिरामिड्स के ऊपर है जो कि बनाए गए हैं, जिसे कि ओरियन कोरिलेशन थ्योरी में एलियन से जोड़ा गया है। इस थ्योरी के मुताबिक यह माना जाता है कि उन तीन तारों का इन तीन पिरामिड से कुछ कनेक्शन है जो कि इन्हें एलियन से जोड़ता है। क्यों इन पिरामिड्स को ट्रायंगुलर शेप में ही बनाया गया, थ्योरी के मुताबिक देखें तो ऐसा माना जाता है कि ट्रायंगुलर शेप सबसे इजी वे है एलियन से कनेक्ट करने का। और यही बात है कि उस थ्योरी में ये बताया गया है कि पिरामिड्स एक तरीका है एक दुनिया को दूसरे दुनिया से जोड़ने का। इसकी बनावट से लेके हर एक वो चीज जो उसमें बताई गई है वो इसे इस चीज से जोड़ती है जो कि इस वर्ल्ड में है ही नहीं। हर पिरामिड्स के अंदर कई छोटे छोटे टनल्स है जिनके अंदर तो नहीं जाया जा सकता, पर जब एक रिसर्चर टीम के द्वारा यहाँ रिसर्च की गई थी तब इसके अंदर एक रोबोट को डाला गया था, जिसमें कि ये देखा गया कि हर गुफा के अंत में एक बड़ा सा पत्थर लगाया गया जो कि इन सुरंग के रास्ते
अंदर से भी बंद कर देता है। स्ट्रक्चर के मुताबिक पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टार साफ थ्योरी के मुताबिक जब उन चैम्बर में कॉफिन को रखते थे तो यह देखा गया कि वह तारे के एकदम सिमिलर होते थे, जिसके पीछे उन लोग का यह मानना था कि मरने के बाद उनकी सोल एक अलग वर्ल्ड में चली जाती है और उस अलग वर्ल्ड को ये उन तारों से जोड़ते हैं। देखा जाए तो पूरी तरीके से तो इन पिरामिड को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना किया गया है उनसे ये पता चला कि किसी भी चैम्बर के अंदर कोई भी कॉफिन मौजूद नहीं है। या तो उन्हें वहां पे रखा ही नहीं गया, या तो वे वहां पहुंच गए जहां वे जाना चाहते थे, एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड जो दुनिया से पूरा अलग है, जिसका रास्ता इन पिरामिड्स के अंदर से जाता है। और रिसर्चर के मुताबिक इस पिरामिड में यूज किए गए पत्थर पूरी दुनिया में केवल यहीं पे हैं। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो इन पिरामिड्स को पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ती है, जैसे कि इन पिरामिड्स के बनाए गए स्ट्रक्चर। इन पिरामिड्स के अंदर यह देखा गया है कि इनका टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट रहता है, जो कि पूरी धरती का सबसे कम्फर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। तो क्या ये सभी चीजें और स्टार अलाइनमेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, टेम्परेचर का कॉन्स्टेंट रहना है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या फिर सच में इन स्ट्रक्चर के पीछे एक पैरेलल वर्ल्ड की पावर जुड़ी हुई है जो कि इन गीजा के पिरामिड्स को दुनिया से अलग बनाता है? और अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही है तो मरने के बाद भी एक जीवन होता है जहां तक जाने का रास्ता इजिप्ट के फैरों ने खोज निकाला था। आज के समय में हजारों लोग इजिप्ट घूमने जाते हैं, पर वह उसकी बाहर की सुंदरता ही देख पाते हैं, उसके अंदर की मिस्ट्री कोई नहीं जान पाता। हर वो इंसान जो वहां पर पहली बार जाता है वह केवल उसकी बनावट को देखता है और उसके मन में केवल एक ही सवाल होता है कि यह बनावट 4000 साल पहले बनाई कैसे गई थी। रिसर्चरों द्वारा इजिप्ट में 118 पिरामिड खोजे जा चुके हैं और हर पिरामिड के ऊपर एक ऐसी पौराणिक आकृति बनी है जो कि उनके पुराने कल्चर को दर्शाती है। पर ये सभी पिरामिड उन 3 पिरामिड की मिस्ट्री के सामने अभी काफी ज्यादा छोटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसके अंदर क्या है और जो ये सारी बातें जो कि कही गई हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में गीजा के पिरामिड का संबंध किसी एलियन एक्टिविटी से है, या फिर केवल एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए? शायद भविष्य में हम इन पिरामिड्स के बारे में और जान पाए, पर तब तक के लिए पिरामिड के अंदर का ये राज पिरामिड के अंदर ही दफन रहेगा और शायद कुछ चीजों का लोगों के सामने ना आना ही सुरक्षित है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कैसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ।